हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू मस्ट बी इन गुड हेल्थ। आई एम राहुल भटनागर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अभी रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम समझेंगे रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर इन सब्सिडरी बुक्स। अगर सब्सिडरी बुक में कोई गलती हो जाती है तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। सब्सिडरी बुक्स आपको मालूम है कौन कौन सी होती है हमारी? परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। ये हैं हमारी सब्सिडरी बुक्स। इससे पहले की वीडियो में हमने समझा था रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर इन अकाउंट। अकाउंट जो होता है स्टूडेंट्स, एक छोटा कंसेप्ट है और बुक जो है एक थोड़ा सा बड़ा हम मानते हैं। अगर बुक में एरर होती है तो हम कहते हैं थोड़ी बड़ी गलती हो गई है। अकाउंट में कोई गलती हुई है, किसी के नाम में गलती हो गई, इंडिविजुअल अकाउंट में गलती हो गई, मोहन की जगह सुरेश लिख दिया, राम की जगह रमेश लिख दिया, या किसी सैलरी अकाउंट की जगह वेजेस अकाउंट लिख दिया, रेंट अकाउंट में गलती हो गई, तो हम इसको बोलते हैं थोड़ी सी छोटी गलती। लेकिन अगर बुक में गलती होती है, सब्सिडरी बुक्स में गलती की है एंट्री करने में, तो आप इसको बोलोगे छोटी गलती नहीं बोलोगे, आप इसको बोलोगे बड़ी गलती हुई है। क्योंकि इससे कनेक्टेड एंट्री, दोनों जनरल एंट्री पूरी की पूरी गलत है। इस केस में हो सकता है कि आपका डेबिट या क्रेडिट साइड में एक जगह गलती हो, लेकिन अगर बुक में गलती है तो इसका मतलब पूरी जनरल एंट्री ही गलत है। तो चलिए इसको हम समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू मोहन ₹1700। देखिए यहीं तक ही पता लग रहा है, मोहन को क्रेडिट सेल करी है ₹1700 की, पास्ड थ्रू परचेज बुक। जब इस तरह से लिखा हुआ आता है परचेज बुक, यहाँ देखिए बुक लिखा है, अकाउंट नहीं लिखा है, बुक लिखा है, तो इसका मतलब पूरी की पूरी एंट्री, जनरल एंट्री गलत बनी हुई है, डेबिट और क्रेडिट साइड गलत है। तो अगर यहाँ लिखा होता अकाउंट, तब आप ये मान के चल सकते थे कि या तो डेबिट में गलती है या क्रेडिट में गलती है। जब भी बुक लिखा हुआ हो, परचेज बुक, सेल्स बुक, तब आपको ये मान के चलना है कि एंटायर जनरल एंट्री इज़ इनकरेक्ट। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू मोहन ₹1700, तो हमारी क्या करेक्ट एंट्री बनेगी? मोहन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट सेल हुई है, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए से है? 1700 से। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, पास थ्रू परचेज बुक, परचेज बुक के थ्रू पास कर दी गई, मतलब कि जो वाउचर सेल्स वाउचर था, अकाउंटेंट ने उसको परचेज वाउचर समझ लिया, जो सेल्स की एंट्री पढ़नी चाहिए थी उसको परचेज की एंट्री डाल दी है। ये टोटली उल्टा कर दिया उसने। उसने सोचा कि ₹1700 का सामान खरीदा है, बेचा नहीं है, उसने ये समझा कि मोहन से सामान खरीदा है, जबकि हमने मोहन को सामान बेचा है। तो क्या एंट्री करी होगी उसने? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। देखिए दोनों साइड में एंट्री गलत हो गई बिल्कुल ही, ₹1700 ये उसने एंट्री बनाई है एक्चुअल में। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ दोनों एंट्रीज में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ से ये मोहन नाम कॉमन है, लेकिन ये भी अपोजिट साइड्स में है, सेम साइड्स में नहीं है, मतलब डेबिट डेबिट में या क्रेडिट क्रेडिट में नहीं है। अब हम इसकी रेक्टिफाई एंट्री कैसे बनाएंगे? करेक्ट साइड में मोहन है तो मोहन को तो हमने डेबिट करना ही है, इसका मतलब मोहन अकाउंट डेबिट ₹1700। ठीक है, अब यहाँ देखिए इनकरेक्ट साइड में भी मोहन है, अब ये गलत साइड पे बैठा हुआ है, तो इसकी पोजीशन भी तो चेंज करनी पड़ेगी। इसकी पोजीशन हम कहाँ ले जाते हैं? डेबिट साइड में। अब हम डेबिट साइड में एक और मोहन को एंट्री करिए, मोहन अकाउंट डेबिट ₹1700। ठीक है, और सेल्स अकाउंट हमारा सही जगह बैठा हुआ है, टू सेल्स अकाउंट, और परचेज अकाउंट क्योंकि गलत जगह पे है, इनकरेक्ट साइड में है, तो हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, इसको डेबिट से हमने इसको क्रेडिट में लिया है, टू परचेज अकाउंट ₹1700 और ₹1700।
अब आप यहाँ पे देखेंगे मोहन दो जगह दो दफ़े आ रहा है, तो हम डेबिट साइड में मोहन को दो दफ़े नहीं लिख सकते। हमने क्या कर रहा है, इसका 1700 को अगर हम इसको रब करके 3400 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, और इसको हम बिल्कुल ही हटा दें यहाँ से, तो एक्चुअल एंट्री हमारी ये बन गई। क्लियर है, ये एंट्री आपको समझ में आई है। बुक की एंट्री है परचेज बुक की, सेल्स वाउचर को परचेज वाउचर मान लिया गया और परचेज की एंट्री कर दी गई है, तो दोनों पूरी एंट्री गलत हो गई है। और आगे चलते हैं, सेकेंड एंट्री ट्रांजेक्शन को देखते हैं। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम रुपीज़ 1500, यहाँ पे परचेज किया है तो हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 1500 रुपीज़ से टू राम अकाउंट, राम से परचेज किया है क्रेडिट क्रेडिट में 1500 रुपीज़, ये हमारी करेक्ट एंट्री थी। अब क्या हुआ देखिए, पास थ्रू सेल्स बुक, ये सेल्स बुक यहाँ पे फिर से बुक लिखा हुआ है देखिए, है ना, जहाँ जहाँ बुक लिखा हुआ है तो आप ये समझ लीजिए पूरी की पूरी एंट्री गलत हुई है। अब ये इसको परचेज वाउचर ना समझ के सेल्स मान लिया, जो अकाउंटेंट है उसने समझा कि ये सेल हुई है राम को 1500 की, जबकि राम से तो हमने परचेज किया है, तो क्या एंट्री बनाई होगी अकाउंटेंट ने, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसको देखिए, परचेज अकाउंट करेक्ट साइड में है तो हम आपकी करेक्ट एंट्री क्या बनाएंगे, हम परचेज अकाउंट डेबिट कितने से है 1500 रुपीज़ से, ये 1500 रुपीज़ से बनी है। इसके बाद आप देख रहे हैं जो डेबिट साइड में एक और एंट्री आएगी सेल्स अकाउंट, यहाँ जो इनकरेक्ट में क्रेडिट साइड में दिखाया हुआ है सेल्स, इसको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, डेबिट साइड में आना पड़ेगा, परचेज अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट 1500 से टू राम, राम अकाउंट देखिए 1500 तो ये है ही, और ये 1500 भी इसमें ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये वाले राम को भी अपनी पोजीशन चेंज करके क्रेडिट साइड में आने पड़ेगी, तो ये 1500 और ये 1500 कितने हो गए, हम एंट्री बनाएंगे हम 3000 रुपीज़ से। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, रिटर्न ऑफ गुड्स ऑफ ₹800 टू सोहन, हमने गुड्स रिटर्न किया है मतलब हमने परचेज किया होगा, तो ये परचेज रिटर्न है, टू सोहन वाज पास थ्रू द सेल्स रिटर्न बुक, जो परचेज रिटर्न बुक के थ्रू पास होना चाहिए था वो हो गया सेल्स रिटर्न बुक के थ्रू। परचेज हमारा डेबिट साइड में आता है, डेबिट एंट्री होती है परचेज की, तो परचेज रिटर्न अकाउंट की किस तरह साइड होगी, क्रेडिट साइड में, तो क्या करेंगे हम एंट्री, सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन को हम डेबिट करेंगे, उसको हमने सामान वापस भेजना है 800 रुपीज़ से, और टू परचेज रिटर्न अकाउंट ये है करेक्ट एंट्री, हमने परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट किया और सोहन को हमने डेबिट कर दिया। अब हुआ क्या, अकाउंटेंट ने क्या गलती करी, उसको पास कर दिया सेल्स रिटर्न बुक की तरह, जैसे कि सेल्स रिटर्न हुई है किसी ने हमको वापस किया, लेकिन हमको वापस नहीं किया, हमने वापस किया, तो एंट्री क्या हुई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने से है ये 800 रुपीज़ से टू सोहन। सेल्स की एंट्री हमारी क्या होती है, क्रेडिट साइड में आती है सेल्स ना, तो सेल्स रिटर्न हमारा फिर डेबिट साइड में आएगा। चलिए अब इसकी रेक्टिफाइड एंट्री बनाते हैं, सोहन अकाउंट तो डेबिट साइड में है ना, तो रेक्टिफाइड एंट्री में सोहन अकाउंट तो डेबिट साइड में आएगा ही, सोहन अकाउंट डेबिट 800 रुपये ये है, और ये देखिए इनकरेक्ट एंट्री में भी सोहन दिख रहा है हमें, लेकिन ये सोहन हमें आ जाएगा ये हमारे रेक्टिफाइड एंट्री में डेबिट साइड में, तो 800 रुपये ये और 800 रुपये ये, तो हम सोहन को कितने रुपये से डेबिट करेंगे, 1600 रुपीज़ से करेंगे, और परचेज रिटर्न अकाउंट हमारा है ही, हमारा क्रेडिट में है, टू परचेज रिटर्न
परचेज रिटर्न अकाउंट। स्टूडेंट्स फुल फॉर्मेट में लिखना है आपने परचेज रिटर्न अकाउंट 800 रुपीज। और सेल्स रिटर्न देखिए ये इनकरेक्ट साइड में है, इनकरेक्ट साइड में है, डेबिट साइड में, तो हमारा अब ये रेक्टिफाइड एंट्री में क्रेडिट साइड में आ जाएगा टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। और इसके बाद आपने नरेशंस लिखनी है, ये सारा कुछ लिख के आप लिखिएगा नाउ रेक्टिफाइड। हर एंट्री के बाद आपने नरेशंस को जरूर लिखनी है, एग्जामिनर को मौका मत देना आधा नंबर काटने का, ठीक है। आई होप कि आप इन सब एंट्रीज को नोट डाउन कर रहे होंगे, अगर नहीं किया है तो आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए और एंट्रीज लेके आता हूँ सब्सिडरी बुक्स के ऊपर। वेलकम बैक, और आगे चलते हैं। गुड्स रिटर्न बाय मोहन ₹500। गुड्स रिटर्न मतलब मोहन ने हमको गुड्स वापस किया, सेल्स रिटर्न। एक चीज़ और बताता हूँ स्टूडेंट्स आपको, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का मतलब होता है रिटर्न इनवर्ड। ये अगर लिखा हुआ आ जाए आपको रिटर्न इनवर्ड, मतलब कि अंदर, इन से क्या मतलब निकाला आपने, अंदर आ रहा है, हमारे पास आ रहा है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल्स रिटर्न, और रिटर्न आउटवर्ड का क्या मतलब हुआ, बाहर गया है। बाहर कब जाएगा, हमारी, हमारे ऑफिस से, हमारी फैक्ट्री से बाहर कब जाएगा, जब हमने परचेज रिटर्न किया हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, रिटर्न आउटवर्ड आए तो इसका मतलब परचेज रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब सेल्स रिटर्न। तो ये है हमारा है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न बाय मोहन ₹500 वाज एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। फिर से आपने यहाँ देखना है क्या लिखा हुआ है, अकाउंट लिखा है या बुक लिखा है। बुक लिखा है तो उसका मतलब दोनों साइड की एंट्री गलत है, डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ गलत एंट्री हुआ हुआ है, परचेज रिटर्न बुक में एंट्री कर दिया गया है सेल्स रिटर्न बुक की जगह। तो चलिए रेक्टिफाइड एंट्री बनाते हैं। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, सेल्स को हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, क्रेडिट होता है हमारा रेवेन्यू है, तो सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट हो गया। तो फोर्थ एंट्री हमारी हुई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट ₹500 से टू मोहन। ये तो हुई हमारी करेक्ट एंट्री ₹500 से। अब इनकरेक्ट एंट्री क्या हुई है इसको देख लेते हैं। इनकरेक्ट एंट्री हुई है परचेज रिटर्न, परचेज हमारा डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न हो गया हमारा क्रेडिट। तो क्या बना दिया एंट्री, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। आपने परचेज रिटर्न पूरा लिखना है, इस तरह से नहीं लिखना, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। जो रेक्टिफाइड एंट्री में रफ वर्क में चाहे आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर रेक्टिफाइड एंट्री में लिखा तो पता नहीं वो फिर इसका आधा मार्क्स ना काट ले। तो रेक्टिफाइड एंट्री में आपको पूरा ही लिखना है ₹500 से। अब देखिए, अब हम रेक्टिफाइड एंट्री बनाते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा आएगा ही आएगा रेक्टिफाइड एंट्री में, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट ₹500, परचेज रिटर्न अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये इनकरेक्ट एंट्री में क्रेडिट साइड में है, तो हम इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, इसके सीट को चेंज करके हम कहाँ ले जाएंगे परचेज रिटर्न को, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट ₹500। और मोहन यहाँ हमारा डेबिट क्रेडिट साइड में है, इनकरेक्ट एंट्री में हमारा डेबिट साइड में है, तो इनकरेक्ट एंट्री का भी मोहन क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो 500 और 500 ऐड होके कितने हो गए ₹1000 टू मोहन अकाउंट। और इसके बाद आप नरेशन में लिखेंगे, नरेशन में पूरा ये लिखने के बाद लिखेंगे नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलें, ये हमारी एंट्री हो गई कंप्लीट। सैलरी पेड ₹6000 कैश, ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन कैश बुक। देखिए सैलरी कैश में दी है, पे करी है, तो और कैश बुक में एंट्री नहीं किया, उसकी कहीं पर भी एंट्री नहीं हुई है, तो इसकी कैसे एंट्री होगी। करेक्ट एंट्री क्या है, सैलरी दिया, एक्सपेंस है हमारा, सैलरी अकाउंट डेबिट
कितनी है? 6500 से। टू कैश अकाउंट 6500। अकाउंटेंट ने इसकी एंट्री ही नहीं करी, परमिटेड टू बी एंटर्ड इन कैश बुक, मतलब यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुई है। तो एंट्री नहीं हुई तो क्या करेंगे हम इसको, फिर अब एंट्री कर देंगे। थोड़ी देर से ही तो एंट्री हुई बस, और तो कोई गलती नहीं है ना, तो अब एंट्री कर दीजिए। क्या कितने की करेंगे? पूरे के पूरे अमाउंट की। तो अब ये बन गई हमारी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और नरेशंस में लिख देंगे हम कि सैलरी पेड बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन कैश बुक नाउ रेक्टिफाइड। चलिए अब हम लास्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ एंट्री, गुड्स कॉस्ट रुपीज 2000, सेल प्राइस रुपीज 2400, टेकन बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने गुड्स लिया है, कॉस्ट जिसकी 2000 थी, सेल प्राइस थी 2400। तो कितने से एंट्री करेंगे आप ये बताइए, 2000 से करेंगे या 2400 से? देखिए प्रोप्राइटर जो भी गुड्स लेगा, गुड्स ले या कैश ले, वो ओरिजिनल वैल्यू पे होता है। ओरिजिनल वैल्यू इसकी क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट इसकी है 2000। सेल प्राइस पे कभी भी ड्राइंग्स नहीं होती हैं। तो क्या एंट्री करेक्ट एंट्री बनेगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स लिया है, तो गुड्स लिया, अगर गुड्स लिया है तो हम क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए से है? 2000 रुपीज से। ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा है आपको सेल प्राइस 2400 की, तो आपने 2000 जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है वही लिखनी होती है। अब अकाउंटेंट ने देखते हैं आगे क्या किया है। वाज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करी। अकाउंटेंट ने सोचा कि ये उसकी अपना ही तो काम है, वही तो मालिक है, उसने अगर दुकान से ले भी लिया है, अपना गोडाउन से ले भी लिया तो क्या हो गया, कोई एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, अगर बिजनेस ओनर भी अपने बिजनेस में से कुछ विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसकी भी एंट्री होती है। अकाउंटेंट ने इसकी एंट्री नहीं करी, तो अब हम इसकी एंट्री कर देते हैं। सेम एंट्री हो जाएगी ऐसी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, फिर से बताइए? क्योंकि गुड्स लिया है, इसलिए। कैश लिया होता तो हम कैश लिख देते 2000 रुपीज। इसके बाद आप नरेशन लिख देंगे, यही सारी कहानी लिख देंगे, और फिर लिख देंगे नाउ रेक्टिफाइड। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन सब्सिडरी बुक को समझा है। इस वीडियो में अभी इतना ही है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम और नए कंसेप्ट को लेके आएंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को, जिसमें हम सस्पेंस अकाउंट को बनाना सीखेंगे। तो अभी आप इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी बुक्स में इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं इसी तरह की, आप थोड़ा सा देखिए, प्रैक्टिस करिए और हमारे नए वीडियो का इंतजार करिए, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।